कैसे हो आप सब, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डाइवर्सिटी का पार्ट टू। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने सोशल स्टडीज में सिविक्स को स्टार्ट किया है और उसमें फर्स्ट चैप्टर डाइवर्सिटी। तो इसके पिछले वीडियो में हम लोग डाइवर्सिटी क्या होता है ये जान लिया, यूनिटी क्या होता है ये भी जान लिया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्या होता है ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डाइवर्स होने का रीजन क्या है, इंडिया इतना डाइवर्स क्यों है। तो मैंने चार रीजन बताया था और आशा करता हूँ आप लोग उस चीज को याद रखे होंगे। अगर याद नहीं देंगे तो पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, फिर आगे इसको देखिएगा। तो हम लोगों ने डाइवर्सिटी एंड यूनिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड रीजंस ऑफ डाइवर्सिटी डिस्कस कर लिया था पिछले वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइवर्सिटी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का विशेषता क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है विशेषता हिंदी में। डाइवर्सिटी, इंडिया के डाइवर्सिटी में विशेष क्या है। ठीक है, उन्हीं पॉइंट्स को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देयर आर थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स इन इंडियन डाइवर्सिटी। फर्स्ट इज लैंग्वेज, ठीक है, सेकेंड है रिलीजन्स और थर्ड है फेस्टिवल्स। लैंग्वेज का मतलब भाषा होता है, रिलीजन्स का मतलब होता है धर्म और फेस्टिवल्स का मतलब होता है त्योहार। अब हम स्टार्ट करते हैं लैंग्वेज, किस स्टेट में कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है। ठीक है, और लैंग्वेज में एक और टर्म हम लोग समझेंगे, डायलेक्ट्स। डायलेक्ट्स क्या है, इस चीज को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज लैंग्वेज। इन विच स्टेट व्हाट लैंग्वेज इज स्पोकन वी विल नो दिस। ठीक है, तो अब हम लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे, भाषा। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा है कि डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोला जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आइए साउथ इंडिया से स्टार्ट करते हैं। केरला में मलयालम, तमिल होता है तमिलनाडु में, तेलुगु आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब आते हैं सेंट्रल इंडिया में, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, एमपी हो गया, ये सब स्टेट्स में हिंदी बोला जाता है, ये सब हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं, यूपी हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स है। ठीक है, अब आते हैं सब नॉर्थ इंडिया में, तो दिल्ली में भी हिंदी बोला जाता है, पंजाब में भी पंजाबी बोला जाता है लेकिन हिंदी भी बोला जाता है। तो कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें मोर देन टू लैंग्वेज बोले जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग बुक में भी देखिएगा तो बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिया है। बावजूद इसके कुछ प्रोमिनेंट लैंग्वेज है इंडिया में, प्रोमिनेंट का मतलब मुख्य लैंग्वेज जो मोस्ट ऑफ द पास में बोले जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हिंदी, मोर देन 40% ऑफ आवर पॉपुलेशन स्पीक हिंदी, 40% से ज्यादा जनसंख्या हिंदी बोलता है इंडिया में, ये डाटा है, इसी को याद रखिएगा। ठीक है, तो दैट इज व्हाई हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ऑफिशियल का मतलब कि आधिकारिक लैंग्वेज, सारे राजपत्र डॉक्यूमेंट वगैरह हिंदी में पब्लिश किए जाएंगे, ये आधिकारिक लैंग्वेज है। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, हिंदी, इसी को याद रखेंगे। इसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, संविधान, वो 22 लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने लैंग्वेज को मान्यता दी गई है, कितने लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया गया है, तो 22 याद रखेंगे डाटा। आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज 22 लैंग्वेज, डाटा याद रखेंगे, कितने लैंग्वेज, 22 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, इसी को याद रखेंगे। तो अब आते हैं डायलेक्ट्स पे, डायलेक्ट्स क्या है। ठीक है, हम लोग समझते हैं कि डायलेक्ट्स क्या है, इसका डेफिनेशन पहले समझिएगा। द वेरिएशंस द डिफरेंसेस इन अ लैंग्वेज रीजन वाइज इन टर्म्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन एंड वे ऑफ स्पीकिंग, बोलने के तरीका में, प्रोनाउंसिएशन करने में अंतर,
वेरिएशन, विविधता, यही डाइवर्सिटी है, डायलेक्ट है। एक ही लैंग्वेज को डिफरेंट रीजन में डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, स्क्रिप्ट सेम रहेगा, लिपि जो है उस लैंग्वेज का सेम रहेगा, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका बोलने का तरीका थोड़ा सा डिफर कर जाता है, इसे बोलते हैं डायलेक्ट। डायलेक्ट इज द वेरिएशंस डिफरेंसेस इन अ लैंग्वेज रीजन वाइज इन टर्म्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन एंड वे ऑफ स्पीकिंग। इसका एक मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, चूंकि बिहार में तो पूरे बिहार में भोजपुरी बोला जाता है, ये तो आप लोग जानते हैं कि पूरे बिहार में भोजपुरी बोला जाता है, लेकिन बिहार में ही अलग अलग जगहों पे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे बोलने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप चले जाइए नॉर्थ बिहार में, ठीक है, तो नॉर्थ बिहार में जाइएगा तो एक लैंग्वेज होता है मैथिली, अगर उसको आप लोग सुनिएगा या पढ़िएगा कहीं एग्जाम्पल से लीजिएगा तो देखिएगा कि हाँ वर्ड्स है लेकिन थोड़ा सा अंतर है, हम लोगों के भोजपुरी से मैथिली थोड़ा सा डिफर कर जाता है, अंतर हो जाता है। अब जैसा इंग्लिश में ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश अंतर तो है, तो एक ही लैंग्वेज में वेरिएशन में वेरिएशन हो जाते हैं। मैंने बताया कि किस टाइप ऑफ प्रोनाउंसिएशन में और वे ऑफ स्पीकिंग में, हिंदी का ओरिजिनेशन कहाँ है, सेंट्रल इंडिया, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, लेकिन आप चले जाइए साउथ इंडिया में, साउथ इंडियन मूवीज भी देखिएगा तो उसी हिंदी को थोड़ा सा अलग वे में बोलता है, थोड़ा सा इंक्लूजन होता है रीजनल वर्ड्स का, रीजनल वर्ड्स का थोड़ा सा इंक्लूजन होता है और वो चेंज हो जाता है बोलने का तरीका, प्रोनाउंसिएशन, तो इसे ही बोलते हैं डायलेक्ट। ठीक है, आपके बुक में एक एग्जाम्पल दिया, उस एग्जाम्पल को मैं लेना चाहूंगा कि पंजाबी इन फिरोजपुरिज्म इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द पंजाबी इन अमृतसर। मैंने क्या बोला कि पंजाबी स्पोकन इन फिरोजपुरिज्म इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द पंजाबी इन पंजाबी स्पोकन इन अमृतसर। तो मैंने डायलेक्ट्स को समझा दिया कैसे वेरिएशन होते हैं प्रोनाउंसिएशन में, वे ऑफ स्पीकिंग में, बोलने के तरीके में, एक ही लैंग्वेज रीजन वाइज थोड़ा सा उसमें डिफरेंस हो जाता है। मैंने हिंदी का भी एग्जाम्पल लिया, भोजपुरी का भी एग्जाम्पल लिया, ठीक है, एक अवधि लैंग्वेज है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड भोजपुरी, जो कि गोस्वामी तुलसीदास ने इस लैंग्वेज को यूज किया है रामचरितमानस लिखने में, तो आप रामचरितमानस लिखिएगा तो उसमें थोड़ा सा भोजपुरी और थोड़ा सा हिंदी दोनों का मिक्सचर होता है, ठीक है, तो एक ही लैंग्वेज को रीजन वाइज हम लोग बोलने के तरीका को चेंज कर देते हैं, कुछ रीजनल वर्ड्स का इंक्लूजन उसमें कर देते हैं, जिसके वजह से प्रोनाउंसिएशन बोलने का यही चेंज हो जाता है, यही है डायलेक्ट्स। डायलेक्ट्स हमने समझ लिया, लैंग्वेज भी समझ लिया, अब सेकंड देखते हैं रिलीजन्स। इस चीज को तो मैंने अच्छे से समझाया है पिछले वीडियो में, बहुत सारे रिलीजन्स हैं इंडिया में, मेनली चार रिलीजन्स हैं, देयर आर फोर मेन रिलीजन्स इन इंडिया, जानते हैं आप लोग, हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी एंड ये क्या उसको बोलते हैं सिख, ठीक है। तो रिलीजन के अलावा कुछ सब सेक्ट होते हैं, टर्म आप लोग देखिएगा इसमें सब सेक्ट, सब सेक्ट, अब ये क्या इसको समझाते हैं, जैसे आप जैनिज्म में देखिएगा तो एक होता है हीना है, हीना नाम, बुद्धिज्म, बुद्धिज्म में क्या होता है हीनायान और एक महायान, ठीक है, तो एक ही रिलीजन में कुछ लोग अगर एग्री नहीं करेंगे उसके टर्म्स एंड कंडीशंस में तो वो अपना अलग हो जाते हैं, तो बुद्धिज्म दो भागों में बट गया है, हीनायान एंड महायान, इसी बंटवारा को एक ही रिलीजन में जब स्प्लिट हो जाता है, एक ही रिलीजन में जब स्प्लिट हो जाता है तो जो नए नए रिलीजन्स बनते हैं उनसे हट के, उनसे अलग होके उसको ही बोलते हैं सॉफ्ट सेक्ट। तो जैनिज्म का क्या है श्वेतांबर, दिगंबर, बुद्धिज्म का क्या है हीनायान, महायान, ठीक है, इस्लाम में भी आप देख सकते हैं शिया एंड सुन्नी, ठीक है, तो इसे बोलते हैं सॉफ्ट सेक्ट, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं फेस्टिवल में, इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, फेस्टिवल के तीन टाइप में बताऊंगा, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फेस्टिवल, वी विल स्टडी सेपरेटली ईच ऑफ देम, ठीक है, तीनों टाइप्स को अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स
फेस्टिवल्स, ठीक है, इस चीज को हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से सुनिएगा। तो फेस्टिवल्स मेनली तीन टाइप के होते हैं, फेस्टिवल का मतलब त्योहार, पर्व, ठीक है, वो तीन टाइप के इंडिया में होते हैं। एक तो रिलीजियस फेस्टिवल जो किसी रिलीजन से जुड़ा होता है, किसी धर्म से जुड़ा होता है। सेकेंड है रीजनल फेस्टिवल, ये रीजन वाइज सेलिब्रेट किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट रीजन में डिफरेंट डिफरेंट रीजनल फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने कल्चर के हिसाब से, अपने संस्कृति के हिसाब से उस चीज को सेलिब्रेट करते हैं अपने वे में, अपने तरीके से। एग्जाम्पल्स हम तीनों का लेंगे, पहले एट एडवांस तीनों को समझ लेते हैं। अब तीसरा है नेशनल फेस्टिवल, जो राष्ट्रीय त्यौहार मेनली थ्री होते हैं, एग्जाम्पल्स हम लोग पढ़ेंगे उसको लिखेंगे, ठीक है। तो पहले आते हैं रिलीजियस फेस्टिवल, धार्मिक त्यौहार क्या है, हम लोग रिलीजियस फेस्टिवल्स को देखते हैं। जैसा कि हमने बताया पहले कि बहुत सारे रिलीजन्स के फॉलोअर हैं इंडिया में, फॉर एग्जाम्पल इस्लाम के, बुद्धिज्म के, जैनिज्म के, हिंदुइज्म के, तो अपने अकॉर्डिंग अपने जो उनके रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में जैसा डिटेल दिया गया है, जो पौराणिक कथाओं में उनका डिस्क्रिप्शन है, उसके अकॉर्डिंग अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिंदूज दिवाली, होली सेलिब्रेट करते हैं, दुर्गा पूजा, दशहरा, ये सब सेलिब्रेट करते हैं। तो सबका रीजन पता है कि दिवाली क्यों होता है, वो सेलिब्रेट करते हैं जो भगवान राम आए थे अयोध्या में राम को मार के, उसी को सेलिब्रेट करते हैं। दुर्गा पूजा जैसे जानते हैं आप लोग, माता दुर्गा ने राक्षसों का वध किया था, तो इसी को सेलिब्रेट करते हैं दशहरा के रूप में। तो जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में जैसा डिटेल दिया गया है उन्हीं के अकॉर्डिंग अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। मुस्लिम्स इस्लाम के फॉलोअर क्या करते हैं, ईद, मुहर्रम, ये सारे एग्जाम्पल हैं इस्लाम के रिलीजियस फेस्टिवल। अब जैनिज्म क्या करते हैं, महावीर जयंती, भगवान महावीर के जयंती को, जन्म को सेलिब्रेट करते हैं। बुद्धिज्म का वही है, बुद्ध पूर्णिमा, ठीक है। सिखिज्म गुरुपर्व, गुरु नानक जयंती को सेलिब्रेट करते हैं। तो अपने धर्म के अकॉर्डिंग, अपने जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में जिस चीज को क्लरिफाई किया गया और जैसे किया गया, जो तरीका बताया गया है, उसी के अकॉर्डिंग फेस्टिवल्स को डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के फॉलोअर जो है सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर हुआ रिलीजियस फेस्टिवल, मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया बुक में, हो सकता और भी एग्जाम्पल्स हो, आप लोग उसको पढ़िएगा, क्योंकि वीडियो को बहुत ज्यादा कंसाइज रखना है और ज्यादा डिलीवर करना है, हर एक चीज को समझाना है। तो हो सकता है और भी एग्जाम्पल्स हो बुक में, उसको नोट डाउन कीजिएगा, नोट्स में उसको लिखिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग दूसरे टाइप की ओर, ठीक है। फेस्टिवल्स, दीज आर द फेस्टिवल्स विच आर सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट रीजन्स इन डिफरेंट वे अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर, संस्कृति जिसको हिंदी में बोलते हैं, कल्चर, कस्टम, प्रथा, अपने अपने प्रथा कस्टम के अनुसार डिफरेंट डिफरेंट रीजन में डिफरेंट डिफरेंट वे में सेलिब्रेट किया जाता है। इसके एग्जाम्पल मैं दूंगा, बिहू आसाम में, पोंगल तमिलनाडु में, और भी एग्जाम्पल बुक में होगा, ठीक है, वीडियो को कंसाई रखना है इसलिए। पोंगल तमिलनाडु, ओणम केरला, समझ रहे हैं। अब हम लोग तो पोंगल सेलिब्रेट करते नहीं, हम लोग तो बिहू सेलिब्रेट करते नहीं, वो अपने कल्चर के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के लोग डिफरेंट डिफरेंट वे में जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, दीज आर कॉल्ड रीजनल फेस्टिवल्स। मैं इसको बाइलिंगुअल रख रहा हूं इस वजह से कि बहुत लोगों का प्रॉब्लम है ये कि इसको इंग्लिश में कैसे लिखें, तो हमने डिफाइन किया हर एक चीज को इंग्लिश में भी और उसको हिंदी में समझाया भी है, ठीक है। तो हम लोगों ने रीजनल फेस्टिवल्स को डिफाइन कर दिया है कि दीज आर द फेस्टिवल्स विच आर सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट रीजन्स इन डिफरेंट वे अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर, कल्चर का मतलब संस्कृति, कस्टम, प्रथा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने कुछ ले लिया है, कुछ बुक में और भी दिया, आप लोग उसको लिखिएगा नोट्स में और समझिएगा। नेक्स्ट जो फेस्टिवल है नेशनल फेस्टिवल्स, नेशनल फेस्टिवल है, मैंने यूनिटी इन डाइवर्सिटी में इस चीज को डिस्कस किया था, विविधता में एकता जब मैं टॉपिक पढ़ाया था तो इस चीज को डिस्कस किया था कि नेशनल फेस्टिवल्स होने की वजह से ही हम लोग यूनाइट हैं, वी स्टैंड टुगेदर अंडर अ नेशनल फ्लैग, ठीक है। किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, कहीं से भी बिलोंग करते हो,
हम लोग नेशनल फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, वी आर प्राउड ऑफ आवर नेशन, ठीक है, ये नेशनल फेस्टिवल्स नेशनलिटी को रिप्रेजेंट करता है कि हम इंडियन हैं। मेनली तीन होते हैं, कौन कौन, रिपब्लिक डे विच इज सेलिब्रेटेड ऑन 26th of January, इंडिपेंडेंस डे विच इज सेलिब्रेटेड ऑन 15th of August एवरी ईयर, एंड गांधी जयंती विच इज सेलिब्रेटेड ऑन 2nd of October। डेट भी याद रखेंगे और नेम भी याद रखेंगे, मेनली तीन होते हैं, गांधी जयंती, रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे। यही तो है जो हम लोग को बाइंड करता है, हम लोग को एक करता है, अनेकता में एकता, इसी को बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसी को एट दैट टाइम डिस्कस किया गया है। तो नेशनल फेस्टिवल समझ में आया, फिच आर सेलिब्रेटेड नेशन वाइड, पूरे नेशन, पूरा देश इसको सेलिब्रेट करता है। डेफिनेशन समझ में आया, द फेस्टिवल्स विच आर सेलिब्रेटेड नेशन वाइड, होल कंट्री सेलिब्रेट्स दीज फेस्टिवल्स। एग्जाम्पल्स हमने बता दिया, नेम भी बता दिया और उसका डेट भी बता दिया। तो फेस्टिवल्स तीनों टाइप को हम लोग समझ लिया है, ठीक है, और आगे का जो सेशन होगा उस चीज में हम लोग समझेंगे डांस एंड म्यूजिक ऑफ इंडिया, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, और एक चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि हाँ इसको इंग्लिश में कैसे लिखें, तो एट फर्स्ट यू हैव टू लिसन द लेक्चर केयरफुली एंड अटेंटिवली, देन रीड द बुक। इफ एंड ओनली इफ यू लिसन द लेक्चर केयरफुली एंड अटेंटिवली, देन यू विल बी एबल टू राइट द आंसर, अदरवाइज नो वन कैन हेल्प यू, नाइदर राइट नॉर बुक, ठीक है। आपको सेशन देखना है, लेक्चर को सुनना है अच्छे से, फिर बुक को देखना है। हाँ, हो सकता है कुछ वर्ड्स मिस आउट कर रहे हैं हम लोग, तो उस चीज को कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में लिखिए, उसको क्लैरिफाई किया जाएगा, ठीक है। लेक्चर सुने, बुक को पढ़े, उसके बाद आप लोग आंसर करें जो होमवर्क दिया जाएगा, बात समझ आई। चलिए, तो कुछ हम होमवर्क देंगे जो इसी लेक्चर पे बेस्ड होगा, अगर आप लेक्चर अच्छे से सुनते हैं तो उसको आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो आते हैं होमवर्क को नोट कर। तो मैंने कुछ क्वेश्चन दिया है होमवर्क के रूप में, जो कि कम्प्लीटली इसी लेक्चर पे बेस्ड है, अगर इस लेक्चर को अच्छे से सुनेंगे आप लोग तो इस इन क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है, मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ, व्हाट आर द थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया, मैंने इसी को डिस्कस किया है, ठीक है। तो उसका बस नेम लिख देना है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट द राइट द नेम्स ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल्स, धार्मिक त्यौहार कौन है उसका नेम लिखना है, ठीक है, विथ रिलीजन। राइट द नेम्स ऑफ रीजनल फेस्टिवल्स, क्षेत्रीय त्यौहार, मैंने बताया किस बिहू, पोंगल, ओणम, इसका जिक्र किया है और किस स्टेट में सेलिब्रेट किए जाते हैं उसी को लिखना आपको, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ नेशनल फेस्टिवल्स विथ डेट, नेशनल फेस्टिवल को लिखना है डेट के साथ। ये होमवर्क है, इस लेक्चर पे बेस्ड है, आप अगर लेक्चर को अच्छे से देखते हैं सुनते हैं उसको, उसके बाद आपको आंसर कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही।